हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आपने अब तक सुना होगा कि किसी को घर का खाना पसंद है, किसी को शादी का खाना पसंद है, तो किसी को भंडारे खाना पसंद है। लेकिन हमारी रोशनी को इन सब से हटके तेरवी का खाना पसंद था, जिसके लिए वो आए दिन किसी के मरने की कामना करती थी। जी सुनने में अजीब लगता है ना, लेकिन वो ऐसा करती थी। ऐसे ही एक दिन अपने पड़ोस में 90 साल की एक बुढ़िया के मरने पर उसकी तेरवी का खाना खाकर घर लौटी रोशनी अपनी माँ शांति से बोलती है, माँ, ओ माँ, जरा बाहर आओ। हाँ बोल, क्या हुआ? क्यों पागल कुत्ते की तरह गला फाड़ रही है? ये लो, इनके अंदर वो कल्याणी दीदी की तेरवी का खाना है। इनको बर्तन में निकाल कर फ्रिज में रख दो, रात को खाने के काम आएगा। अरे पेट भर कर खाकर आई होगी, फिर भी तेरा मन नहीं भरा जो पन्नियों में डलवा लाई। सच में रोशनी, शर्म नहीं आती तुझे? कम से कम अपने नाम की तरह हमारा नाम रोशन करने वाले काम कर ले। अब तेरवी का खाना पैक करवा कर लाने में कौन सा बेहुदा काम कर दिया मैंने? आप भी तो भंडारों में से खाना पैक करवा कर लाती हो, शादियों में भी थोड़ा बहुत खाना बनवा ही लेती हो, तो मैंने भी तेरवी का खाना पैक करवा लिया। वैसे भी ना जाने क्यों तेरवी में बुलाने पर भी कोई आता नहीं है खाना खाने। क्योंकि उन लोगों में अकल होती है, किसी के मरने पर बनाया हुआ खाना कौन पसंद करता है? मैं तो पसंद करती हूँ, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है तेरवी का खाना, इसलिए मैं तो चाहती हूँ हर रोज कहीं ना कहीं तेरवी का खाना मिल रहा हो। अपनी माँ के मरने पर करवा लियो तेरवी और खा लियो जी भर के खाना। इतना बोलकर शांति अपने काम में लग जाती है और रोशनी खाना रसोई में रख कर अपने कमरे में चली जाती है और गुस्से में मुंह फुलाते हुए बोलती है, मैं थोड़ी किसी को मार रही हूँ, मुझे तो बस तेरवी का खाना पसंद है, तो अब इसमें मेरी क्या गलती है? रोशनी अपने कमरे में आराम से पसरी हुई थी, तभी उसका फोन बजता है, जिस पर उसकी बेस्ट फ्रेंड सोनाक्षी का फोन आता है। जैसे ही रोशनी फोन उठाती है तो दूसरी साइड से सोनाक्षी रोना शुरू करते हुए बोलती है, रोशनी मेरे दादाजी हॉस्पिटल में है यार, बहुत सीरियस है, मुझे उनके पास जाना है। रोशनी मेरे दादाजी को कुछ होगा तो नहीं? मुझे उनसे बहुत लगाव है। अरे तू रोना बंद कर और मुझे बता कहाँ है, मैं तुझे लेने आती हूँ और फिर साथ में चलते हैं हम तेरे दादाजी के पास हॉस्पिटल। मैं कॉलेज के पास वाले कैफे में बैठी हूँ, जल्दी आ जा। रोशनी कॉल काटते हुए घर से भागकर सोनाक्षी के पास जाती है और उसको लेकर हॉस्पिटल जाती है, जहाँ उसके दादाजी एडमिट हैं। हॉस्पिटल में उसकी मम्मी पापा भी मौजूद थे। कुछ देर में डॉक्टर आकर सोनाक्षी के दादाजी को मृत घोषित कर देते हैं, जिस पर सोनाक्षी फूट फूट कर रोने लगती है। नहीं दादाजी, आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकते, अभी आप सिर्फ 98 साल के ही तो हैं, सेंचुरी तो कर लो दादाजी, लौटाओ दादाजी लौटाओ। यार भगवान के पास गए हैं वो, थर्ड एम्पायर के पास नहीं, जो नोट आउट के फैसले सुनने पर वापस पवेलियन में आ जाए। यार मैं रो रही हूँ और तुझे मजाक सूझ रहा है, मेरे दादाजी, ए भगवान अब क्या करूँगी मैं? तेरवी की तैयारी। क्या बोली तू? अरे मेरा मतलब देख, अब जाने वाले को कोई रोक नहीं सकता और भगवान को भी अच्छे लोगों की जरूरत होती है, इसलिए उन्होंने तेरे दादाजी को बुला लिया, तो अपने आंसू पोंछ और उनकी तेरवी की तैयारी कर। कहते हैं आत्मा की शांति के लिए तेरवी जरूरी होती है, और मैं एक बहुत अच्छे से हलवाई को जानती हूँ जो तेरवी का बहुत टेस्टी खाना बनाता है। रोशनी की ये बात सुनकर सोनाक्षी, उसके माता पिता और वहाँ खड़े कुछ लोग भी उसकी तरफ देखने लगते हैं। ये देखकर रोशनी वहाँ से निकलना ही ठीक समझती है और वहाँ से 9:00-11:00 होकर जब वो अपने घर पहुँचती है तो कमरे में आराम करते हुए बोलती है, चलो 13 दिन बाद एक और तेरवी का खाना खाने को मिलेगा, अब तो मैं बहुत थक गई हूँ। इतना कहकर रोशनी सो जाती है। रोशनी को तेरवी के खाने के आगे ये नहीं दिखता कि जिनके घर के लोग उनको छोड़कर गए हैं उन पर क्या बीत रही होती है, उसको तो बस खाने से मतलब होता है। ऐसे ही गुजरते दिनों के साथ वो सोनाक्षी के दादा की तेरवी में जाकर भी बहुत सारा खाना खाती है, लेकिन अब लगभग महीना गुजर चुका था और कहीं से भी उसके पास तेरवी के खाने का न्योता नहीं आता था, जिसके चलते वो अपने कमरे में बैठी बोलती है, हे भगवान, इतने दिनों से मैं घर के खाने पे जिंदा हूँ, मुझे तेरवी का खाना चाहिए, कहाँ से खाऊं? रोशनी की ये बात उसके कमरे के बाहर से गुजर रही उसकी माँ सुन लेती है, जो उसके कमरे में आकर बोलती है, रोशनी
तुझे जरा भी शर्म नहीं आती? अरे तेरवी का खाना किसी के मरने पर बनता है, तुझे उस खाने को खाने की इच्छा हो रही है इसलिए तू चाहती है कि कोई मरे? मैंने कब कहा कि कोई मरे? माँ हद करती हो यार। देखो मुझे तेरवी में बना खाना पसंद है और उस खाने के जैसा स्वाद कहीं और नहीं मिलता, तो मुझे मन करता है खाने का। लेकिन मैं ये नहीं कह रही भगवान को कि किसी को मार दो जानकर ताकि मुझे खाना मिल सके। तेरे कहने का मतलब यही है, बात के बोलने का अंदाज बदलने से बात का मतलब नहीं बदल जाएगा। अब रोशनी आगे कुछ बोलती इससे पहले ही शांति की पड़ोसन राधा उसके घर आती है और शांति को आवाज लगाते हुए बोलती है, अरे शांति कहाँ है, इधर आ, बड़ी जरूरत है तेरी। शांति जल्दी से नीचे जाती है और राधा को हॉल में बैठाकर बोलती है, क्या हुआ राधा, इतनी परेशान क्यों है? मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है, गांव से भैया का फोन आया था, उन्होंने कहा है माँ से आखिरी बार आकर मिलाओ। मेरा तो दिल बैठा जा रहा है, मुझे कुछ पैसे दे दे, मैं अपनी माँ के साथ कुछ दिन बिता लूँ, अगर हो सका तो पहले उसका इलाज करवाने की कोशिश करूँगी। तू चिंता मत कर राधा, आंटी जी को कुछ नहीं होगा, मैं तुझे अभी पैसे लाकर देती हूँ। शांति पैसे लेने रोशनी के कमरे में जाती है क्योंकि तिजोरी वहीं थी। वो पैसे निकालने के बाद कमरे में पसरी हुई रोशनी से बोलती है, तुझे तेरवी का खाना खाने का बहुत शौक है ना, चल आजा तुझे भेजू खाने। शांति पैसों के साथ रोशनी को भी नीचे लेकर जाती है और पैसे देने के बाद वो राधा से बोलती है, राधा सुमित्रा आंटी ने हमेशा रोशनी को अपनी नातिन की तरह प्यार दिया है जब यह छोटी थी, तो मैं चाहती हूँ तू इसे भी ले जा अपने साथ गाँव, उनकी बहुत यादें जुड़ी है रोशनी से, शायद उनको अच्छा लगे इससे मिलकर। ठीक है शांति, तेरा बहुत बहुत शुक्रिया। रोशनी तो तेरवी के खाने की चाह में राधा के साथ उसके गांव चली जाती है, जहां जाकर वो अपनी राधा आंटी की माँ सुमित्रा की हालत देखती है, जो कि बिस्तर पर से उठने के लायक भी नहीं होती। लेकिन जैसे ही सुमित्रा रोशनी को देखती है तो बोलती है, अरे राधा बेटी आ गई, अरे साथ में शांति की बेटी रोशनी है ना, अरे मेरी बच्ची कितने समय बाद दिखी है मुझे, तुझे याद हूँ मैं, सुमित्रा नानी बोलती थी तू मुझे बचपन में। इतनी बीमार हालत में भी सुमित्रा रोशनी को पहचान लेती है, ये देखकर रोशनी की आंखें भर आती हैं और वो भी बचपन की यादों को ताज़ा करते हुए सुमित्रा के पास जाकर बैठ जाती है और बोलती है, सुमित्रा नानी ये क्या हुआ आपको, उठो ना, आप जैसे बचपन में मेरे साथ पकड़ा पकड़ी खेलती थी अब भी खेलो, और मुझे माफ करना मैं बड़ी होकर आपको भूल गई और आपसे मिलने नहीं आई। अरे बेटी तू अब आई, मुझे इसी बात की खुशी है, मेरी कोई नातिन नहीं है, मैंने तुझे ही अपनी नातिन की तरह प्यार किया है, और अब मेरी आखिरी समय में तू दिख गई, इससे अच्छा क्या होगा मेरे लिए। नहीं नानी ऐसा मत कहो, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी, आप ठीक हो जाओगी, मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी। रोते हुए रोशनी बाहर चली जाती है और उनके घर के मंदिर के पास जाकर भगवान के आगे हाथ जोड़कर बोलती है, हे भगवान सुमित्रा नानी को कुछ मत होने दो, उनको ऐसे देखकर आज पता चला कि मौत कितनी बुरी होती है, प्लीज भगवान उनको बचा लो। रोशनी भगवान से प्रार्थना करती है, लेकिन कहते हैं ना भगवान की मर्जी के आगे किसी की कहाँ चलती है। सुमित्रा की बीमारी उसकी जान ले लेती है और उसके मरने पर रोशनी बहुत रोती है। राधा उसको संभालती तो है लेकिन रोशनी को ये दर्द सोने नहीं देता। अब अपनी माँ की तेरवी वाले दिन राधा रोशनी को खाने के लिए बोलती है, रोशनी बेटा पूरा गांव खाना खाकर जा चुका है, चल तू भी खाना खा ले। नहीं आंटी आज मुझसे ये खाना नहीं खाया जाएगा, नहीं खाया जाएगा। रोशनी खाना नहीं खाती और कुछ दिन बाद राधा के साथ वापस घर आ जाती है, जहां राधा शांति को सब बताती है कि कैसे रोशनी ने भगवान से प्रार्थना की और उसने तेरवी का खाना भी नहीं खाया। ये सुनकर शांति अपनी उदास हुई बेटी के कमरे में जाती है और उसको गले लगाकर बोलती है, देखा तुझे जिस खाने में स्वाद आता था उसको खिलाने वाले के मन में कितना दर्द होता है, कोई नहीं चाहता कि उनके घर का कोई सदस्य जाए और उनको ये तेरवी का खाना करना पड़े। माना ये रीत है लेकिन कभी तेरवी के खाने की दुआ मत करना, क्योंकि तेरी दुआ किसी के दुखों का कारण बन सकती है। अपनी माँ की बात सुनकर
रोशनी बहुत रोती है और अपने किए पर पछताती है और आगे से कभी जिंदगी में तेरवी के खाने की मांग नहीं करती। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।